इस वक्त की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। खबर अयोध्या से आ रही है। रामनगरी अयोध्या धाम में हनुमान कुंड के पास स्थित रामानुज समुदाय से जुड़ा प्राचीन राम जानकी खटला मंदिर के पुजारी को जहरीला पदार्थ खिलाकर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आते ही हड़कंप समझ गया। पुलिस इस घटना की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के हनुमान कुंड के पास स्थित राम जानकी खटला मंदिर में पुजारी मुरारी पांडे को पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद रात्रि में लाखों रुपए सहित जरूरी कागजात उठा ले गए, लेकिन मंदिर का दरवाजा न खोल पाने के कारण भगवान के गर्भगृह में रखे सामान सुरक्षित रहा। वहीं इसकी जानकारी तब हुई जब सुबह पुजारी देर तक नहीं उठे और न ही पूजा पाठ किया, तो मंदिर में रहने वाले छात्र मोनू ने वृंदावन मंदिर के महंत व पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के हनुमान कुंड के पास स्थित राम जानकी खटला मंदिर में पुजारी मुरारी पांडे को पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद रात्रि में लाखों रुपए सहित जरूरी कागजात उठा ले गए, लेकिन मंदिर का दरवाजा न खोल पाने के कारण भगवान के गर्भगृह में रखा सामान सुरक्षित रहा। वहीं इसकी जानकारी तब हुई जब सुबह पुजारी देर तक नहीं उठे और न ही पूजा पाठ किया, तो मंदिर में रहने वाले छात्र मोनू ने वृंदावन मंदिर के महंत व पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले की जानकारी देते हुए मोनू ने ये बताया कि कल शाम के एक व्यक्ति आया था, वह काफ़ी देर तक रहा। इस दौरान उसने गर्म पानी भी मंगाया और भोजन भी किया। इसके बाद पुजारी से बात करने के लिए कमरे में गया था। काफ़ी देर तक बातचीत होने के कारण हम लोग सोने चले गए। सुबह जब दरवाजा बाहर बंद देखा और मंदिर में भी पुजारी ने पूजा अर्चना नहीं की, तो इसकी जानकारी वृंदावन मंदिर के महंत को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची। वहीं बताया गया कि मंदिर के 6 कमरों के ताले टूटे हुए थे और रुपए सहित सभी जरूरी कागजात सहित अन्य सामान गायब रहा, लेकिन मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। मामला ये हुआ है यहाँ पर कि देखिए, कल रात में जब हम आरती कर रहे थे तो यहाँ पर पुजारी जी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। उनसे बात किया और बात करने के बाद नीम का पाती और हल्दी मंगाया एक छोटा सा बच्चा से, और मंगा करके हमसे बोला कि इसको खौला कर लाओ, यानी कि गर्म करके लाओ। मैं उसको गर्म करके लाया, उसने बोला इसको ढक दीजिए, तो मैंने वहीं ढक दिया बरामदे में रख करके। और इसके बाद उसने बुला करके और फिर बोला हम भोजन वोजन सब लोग किए साथ में, वही भी यहाँ पर भोजन किया था। भोजन करने के बाद में फिर बोला ना कि हल्दी और ओ तेल लिया था, कोई पता नहीं क्या कुछ लिया था, उसको नहीं मालूम। फिर पुजारी जी के रूम में गया, वो इसी रूम में अंदर गया और अंदर से गेट बंद हो गई है। मैंने 2-3 बार बरामदे में आया क्यों गेट बंद हुआ। फिर जब हम 6:30 बजे सो के उठे हैं तो मैंने देखा कि बाहर से गेट बंद है, मंदिर भी नहीं खुली है यहाँ की आज, जो कि 3 बजे मंदिर खुलती है डेली, मंदिर भी नहीं खुला है। और यहाँ तक का कि रूम बंद था, जो मैंने रूम खोला तो देखे कि पुजारी जी लेटे हुए थे, एक पैर नीचे चौकी से गिरा हुआ था और सामान ऐसे सब खुला बिखरा हुआ था। क्या माना, कितने के सामान? देखिए 50,000 रुपये जो कल लेबर के देने के लिए आया था, 50,000 रुपये। और उस रूम में जो चोरी हुआ है, एक छात्र का रूम है, वो उन्होंने प्रोग्राम यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, उनके रूम से 10,000 रुपये की चोरी गई है। और इनके रूम में एक अटैची रखी थी, टैग बैग रखा था, उस बैग में से पूरी जितनी सामान थी कुछ निकाला है कुछ छोड़ दिया है। क्या क्या था? इसी में धोतियाँ थी, 5,000 रुपया था उसमें भी। क्या मंदिर का कुछ जेवरात? मंदिर का जेवरात अब उसके लिए तो देखना पड़ेगा, अंदर कुछ छुए नहीं, पुलिस वाले छूने नहीं दे रहे हैं, पहले नहीं हम अब उसको कभी हम नहीं देखे यहाँ पर। खुलिया यह था कि उसकी वाइट दाढ़ी थी पूरी, ठीक है, और एक पैजामा कुर्ता पहना था और काला कोट लगाया था। उससे पूछा नहीं, पूछे उससे बस इतना पूछे थे तुम कहाँ के रहने वाले, बताया नवाबगंज के रहने वाले। अब कैसे हैं, कहाँ? पुजारी जी अभी कोई हमको कुछ उसके बारे में नहीं मालूम है, यहाँ से श्रीराम हॉस्पिटल गए हैं। आप कौन हैं यहाँ के? हम यहाँ के छात्र हैं, मेरा नाम आशु जी महाराज है। कितने दिन से रह रहे हैं? हम कम से कम हो गया 5 साल से यहाँ पर। महाराज जी का क्या नाम है? महाराज जी का नाम है, महाराज जी का हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है। श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामेश्वराचार्य जी महाराज यहाँ के महाराज जी हैं, वृंदावन में अभी स्थित हैं। हमने जब जैसे सुबह रूम खोला तो उनको देखा कि होश नहीं है, मैंने तुरंत यहाँ के महाराज जी के पास फोन लगाया। महाराज जी ने कहा कि तुरंत पुलिस के पास कॉल करो। मैंने पुलिस के पास कॉल किया तो पुलिस आई, पुलिस ने आया तो पूरा देख रेख किया, एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस द्वारा महाराज जी गए हैं अभी।
यहाँ पर पुलिस ने बोला कि इसको बंद कर दो, छूना मत। ये स्थान का नाम है बृहदराज भगवान इंतजामनियन ट्रस्ट बड़ा खटला वृंदावन, और अंतर्गत में राम लक्ष्मण जानकी मंदिर।